कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार भूपेश बघेल ने आज से दुकानों को अब सप्ताह में 6 दिन खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी की बंदिशें पूर्व की तरह लागू रहेंगी। सप्ताह में 6 दिन दुकान खोलने से वहां एक साथ होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी। व्यवसायिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। देखिए, लॉकडाउन के कारण जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय किए थे, उस आधार पर पूरे प्रदेश ही नहीं देश भर में सभी प्रकार के व्यवसायिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम सब बंद थे, क्योंकि लॉकडाउन 60 दिन से अधिक हो गया है। और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में जो नियम शर्तों में जो ढील दी है, उस आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार भी व्यवसायिक संस्थानों को, स्कूलों को, ऑटो टैक्सी चालकों को अपने कारोबार चलाने की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। और लॉकडाउन के जो नियम है, जिसे फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना है, एक सामाजिक दूरी बना के रखनी है, उन सभी नियमों का पालन करने के लिए अक्षरशः आदेश दिया गया है। और सभी से आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और इस कोरोना महामारी संकट से बचने के तमाम जो उपाय हैं उसका पालन करते हुए अपने कारोबार को, अपने व्यवसाय को शुरू करें। और राज्य सरकार आने वाले दिनों में और भी जो संस्थान जो बंद है उनके लिए भी नियम, जो केंद्र गाइडलाइन है, उसके अनुसार बनाएंगे। और हमारा प्रयास है प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां जो है फिजिकल डिस्टेंस के पालन करते हुए शुरू हो सके। TCP 24 न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरुण जंघेल के साथ चित्रा पटेल की रिपोर्ट।